और वहीं भिवानी पहुंचे नेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। दुष्यंत ने अहिरवाल के कई बड़े नेताओं के इनेलो में शामिल होने का दावा किया है और साथ ही सीएम के दौरों पर चुटकी लेते हुए कहा कि हरियाणा में अधिकारियों का राज था और सीएम को 3.5 साल बाद कार्यकर्ताओं की याद आई है। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करे पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दुष्यंत ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ हर विभाग में खरीद खनन घोटाले और सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी। दुष्यंत चौटाला 17 जुलाई को एसवाईएल के लिए जेल भरो आंदोलन के भिवानी में होने वाले आखिरी चरण के आंदोलन का निमंत्रण देने के लिए देर रात तक कई गांव में पहुंचे थे। और इसी के साथ आपको बता देते हैं कि भिवानी में पहुंचे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला और उन्होंने दावा किया है कि उनके पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपने संसदीय क्षेत्र भिवानी में सबसे ज्यादा 13,000 नौकरियां दी थी और इसी के चलते उन्हें जेल हुई है। वहीं दिग्विजय चौटाला ने चुनौती दी कि यदि देश में सबसे ताकतवर कहे जाने वाले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भी ये साबित कर दे कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्रों में इतनी नौकरियां दी हैं तो वे राजनीतिक बातें करना छोड़ देंगे। दिग्विजय चौटाला भिवानी की भिवानी खेड़ा हल्के के गांव खरक में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे जहां उन्होंने दावा किया कि आने वाली सरकार इनेलो बसपा की ही बनेगी और सरकार बनते ही सबसे ज्यादा नौकरियां एक बार फिर भिवानी के युवाओं को ही मिलेगी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार बनते ही किसी तीसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, युवा उनसे और दुष्यंत से सीधे मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि अभय चौटाला और दुष्यंत के बीच सीएम पद को लेकर किसी तरह की कोई रेस का सवाल है ही नहीं क्योंकि इनेलो की ओर से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही सीएम बनेंगे।